कंफ्यूजन उधर से दो तीन नंबर, जैसा कि देख लो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये नागपुर से निजामुद्दीन जाएगी या नागपुर जबलपुर जाएगी। तो ये इंजन इस ट्रेन को पुल करने वाला है आज। तो ये जनरल क्लास का हॉल, हेलो गाइज वेलकम विथ न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12159 नागपुर जबलपुर एम्बुलेंस एक्सप्रेस, मीन्स एक्सप्रेस है वैसे, उसको एम्बुलेंस एक्सप्रेस भी कहा जाता है। बाकी अभी मैं खड़ा हूँ महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही चलेगी। सो मैंने अभी यहाँ डिनर कर लिया नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से। सो अब जा रहा हूँ मैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि 6 नंबर और 8 नंबर काफ़ी दूर पड़ते हैं यार। बाकी यहाँ पे ट्रेनों की लिस्ट लगी हुई है, नागपुर जबलपुर अपनी 6 नंबर से जाएगी। 1 नंबर पे भी रश बहुत है, सुबह में जब आया था जब और ज़्यादा था, अभी तो फिर भी कम है काफ़ी, सुबह बहुत ज़्यादा था। अभी चलते हैं 6 नंबर का, अभी ढूंढे कहाँ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ प्लेटफॉर्म का, क्योंकि पहली बार आया ना, थोड़ा सा इधर उधर है। जैसे दिल्ली में 1 नंबर है ना थोड़ा सा आउट में, समझ नहीं आता किसी को पुरानी दिल्ली में, उसी तरह अभी 6 नंबर है। ढूंढते चल के कन्फ्यूजन, उधर से 2-3 नंबर, इधर से 2-3-4-5-6, इधर सारा ही आ सकते हैं, कन्फ्यूजन यही चीज़ है बस। अब मुझे पता नहीं है वो वहाँ से रास्ता है कि नहीं, क्योंकि अब जहाँ से इंडिकेटर है, क्योंकि काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, मैं ना चलने से बड़ा वो होता हूँ, परहेज करता हूँ। बस एक बार मैं बस जो इंडिकेशन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अभी कहाँ पर 4-5 ये रहा, 6-7 ये 4-5 के लिए रहा यहाँ से रास्ता, 6-7 वो रहा, बस अपने को 6 नंबर पे जाना, ट्रेन लगी हुई है। ट्रेन चलने में अप्रॉक्स 45 मिनट 40 मिनट रहते हैं। सो दोस्तों ट्रेन तो खड़ी है अपनी, इस ट्रेन के अभी देखा महाकौशल एक्सप्रेस रेक शेयरिंग है इसकी। ये अपनी S7 है, अपना कोच है S6। जस्ट गेट के पास ही अपनी सीट है। ये जैसा कि देख लो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये नागपुर से निजामुद्दीन जाएगी या नागपुर जबलपुर जाएगी, मुझे नहीं पता भाई, कंफ्यूज होते ही हैं। बाकी अपनी भी सीट जो है वो है साइड लोअर 71 ये वाली। लोग अभी एडजस्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी होने देते हैं, अभी हम लोग बाहर भी बातचीत करते हैं एक दूसरे से। अभी ट्रेन चलने में काफ़ी टाइम रहता है। सामने कोल्हापुर गोंदिया के शंटेड रेक खड़े हैं, गोंदिया भी पास में है यहाँ से, गाड़ी यहाँ पे शंट हुई है। और ये यार ब्रीज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के ना, नाइट का व्यू यहाँ से 8 नंबर वाले प्लेटफॉर्म के साइड से ना बहुत मस्त आ रहा था इसका व्यू। बाकी लोकोमोटिव यार चले गए लोकोमोटिव के पास, अभी टाइम है बहुत, लोकोमोटिव दिखाता हूँ यार किधर है। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं उस साइड जाने लगा था, मुझे लगा इंजन उस साइड होगा, फिर मैंने चाय वाले से मैं कंफर्म कर लिया, क्योंकि काफ़ी एसी के डब्बे हैं सारे उधर, कोई फ़ायदा होता नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे वाली साइड जहाँ लोकोमोटिव होगा, तो आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ पहले, लोकोमोटिव कौन सा लगा अपनी ट्रेन के साथ। ये अपनी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और चलने का टाइम है इसका 9:45 नागपुर जंक्शन से। लोकोमोटिव देखते हैं फिर सो हम बताता हूँ कौन सा लगा रहा है। भाई नागपुर में फिर बारिश ने तो धुमा ठा दिया, सुबह से बारिश हो रही है, अभी फिर स्टार्ट होगी,
और लोकोमोटिव शायद अटैच हो चुका हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं लोकोमोटिव है कौन सा, अभी भी टाइम है और ज़्यादा बारिश होगी जनरल के डब्बे में घुस जाएंगे। और जनरल के डब्बे का हाल दिखाता हूँ आज कैसा हाल होगा जनरल के डब्बे का। देख रहे हो आवाज़ कितनी आ रही है अपने ट्रेन के पास, अपनी ट्रेन को आज पुल करेगा वेब 7 अजनी शेड का। सो ये इंजन इस ट्रेन को पुल करने वाला है आज, अजनी शेड का वेब 7 के साथ चलेगी अपनी एम्बुलेंस एक्सप्रेस। तो सही था एम्बुलेंस एक्सप्रेस का। बस अब चलते हैं अपने कोच की ओर, आपको जनरल क्लास का हाल दिखा देता हूँ इस ट्रेन में जनरल क्लास का हाल कैसा होता है। अभी ट्रेन में टाइम है चलने का इसलिए मैं वो दिखा रहा हूँ, वरना मैं दिखाता नहीं। भैया हट ना, ये जनरल क्लास का हॉल। मतलब जगह तो है बैठने की, जनरल क्लास में मतलब जगह है। भैया हटना, इसको इसके बाद अलग कोच आपको दिखा दूँ वो कैसा है। सारे अटैच है तो LHP होने के बाद यही सही है, थोड़ा सा अटैच है सारे कोच। सॉरी ब्रांड न्यू कोच होगा लेकिन हाँ ये पानी पता नहीं कहाँ से आया हुआ है अंदर। भैया हटना, तो बस यही कुछ है। चलते हैं हम अपने कोच की तरफ। जनरल का हाल दिखा दिया आपको, दो जनरल के क्लास लगे हुए हैं आगे वाली साइड, बाकी 7 स्लीपर के कोचेस लगे हुए इस ट्रेन में। और बस थोड़ी देर में चलने वाली अपनी ट्रेन। इस ट्रेन में कोचेस अरेंजमेंट्स की बात करूं, इस ट्रेन में 2 जनरल क्लास के कोच आगे की साइड है, 2 पीछे की साइड लगेगी। एक फर्स्ट AC का कोच है और 2 हैं अपने सेकंड AC कोचेस और 4 हैं अपने थर्ड AC को और 7 स्लीपर क्लास के कोचेस हैं। इस ट्रेन का जो कोच कंपोजिशन है वो इस प्रकार है, बाकी अपना है S6। यही डब्बा, अभी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा टाइम हो जाए फिर चलते हैं डिपार्चर लेके। इस ट्रेन के जनरल क्लास की फेयर की बात करूँ तो 205 रुपये का जनरल क्लास का फेयर पड़ता है और 325 रुपये का फेयर पड़ता है स्लीपर क्लास। थर्ड AC का फेयर है 840 रुपये, सेकेंड AC का फेयर है 1175 रुपये, फर्स्ट AC का जो फेयर है वो है 1950 रुपये नागपुर से लेकर जबलपुर तक। और सवेरे 6:55 पे आपको जबलपुर पहुँचा देगी, बाकी 9:20 हो रहे हैं अभी 25 मिनट रहते हैं और ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और बारिश होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस शार्प 9:45 ट्रेन हो गई है डिपार्ट नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। Express platform number 8.
फाइनली नागपुर से डिपार्चर हो गया, चलते हैं पीएम सीट पे। जो बंदा बैठा हुआ है उसको बुलाते हैं। बाकी ट्रेन बहुत प्यारे कर्फ के साथ, ये अभी इटारसी तक सेम रूट पे जाएगी जिस रूट से अभी हम सवेरे आए थे। उसके बाद शायद डाइवर्ट होगी वहाँ से इटारसी से। अगर आँख खुली होगी ना मैं आपको दिखाऊंगा जरूर सारा जो भी रूट्स है। बाकी ये ब्रिज देखो क्या व्यू आ रहा है। ऐसा कि थी मेरी अभी साइड लोवर की सीट, तो सामने एक माता जी बीमार है तो उन्होंने कहा कि आप मेरी ऊपर वाली सीट ले लो अंकल। फिर मैं नीचे वाली सीट उनको दे दिया अपनी वाली, ऊपर चले जाते हैं भाई कोई बात नहीं। बस अभी ट्रेन यहाँ से चल पड़ी, यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप रुकेगी पंडला। अगर आँख खुली हुई तो मैं आपको कुछ स्टेशन कवर करूँगा। फिर अर्ली मॉर्निंग ये पहुँच जाएगी जबलपुर सवेरे 6:55 पे। सो बाकी रही बात नाइट व्यू की, नाइट में क्या दिखेंगे जो भी होगा बता दूँ, क्योंकि इस ट्रेन में ऑलमोस्ट पैसेंजर्स मरीज ही होते हैं, क्योंकि नागपुर में अच्छी फैसिलिटीज़ है पेशेंट्स के लिए, हॉस्पिटलाइज सर्विस अच्छी है, इसलिए ट्रेन को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि इस ट्रेन का स्टॉपेज काफ़ी ज़्यादा है जबलपुर से नागपुर के, और नाइट राइडर है एम्बुलेंस एक्सप्रेस वे इसको इसलिए कहते भी हैं। बाकी चलते जाती है, बताते जाते आगे के अपडेट्स। फिलहाल तो यही है, बाकी ट्रेन अभी पूरी भरी पड़ी है। तो गाइस अभी आ गया साइड अपर वाली सीट पे, सही है ऊपर आ गया, क्योंकि अभी थोड़ा सा रश है क्योंकि ब्राउन टिकट्स वाले भी जाए ट्रैवल कर रहे हैं, तो नीचे वाली सीट से परेशान करेंगे। रात का टाइम है तो बंदा लिहाज करके नहीं बोल पाता था थोड़ा सा। अभी क्या हुआ, सीट दे दी उनके रिश्तेदार, कहते हैं भैया आप ऊपर चलो। भाई मेरी मर्जी, अभी 8:10 बज रहे हैं तो अभी इतनी जल्दी कौन सोता है। मैं कहा चल, फिर वो भी दिक्कत, आंटी भी ओके हो रहे थे तो फिर इसलिए फिर मैंने अभी उनको कहा कि आप लेटो, मैं ऊपर आ गया था। और सही है, अभी का लाइट बंद होगी फिर सोएंगे अभी हम लोग। ये तो शुक्र है कि टिकट मेरी हो गई थी कन्फर्म, कल ही सवेरे ली थी। 100+ वेटिंग चल रही थी, 135 के करीब वेटिंग थी, तो आज कन्फर्म हो गई साइड लोगों ने मिली थी। चलो कोई नहीं, आंटी के इसने उसी में था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इस ग्रे हिल में तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कवर किया, पर लास्ट स्टेशन है कवर करने वाला जो है मदन महल, वो जबलपुर में ही पड़ता है शायद। सो क्योंकि सारे स्टेशन मैंने स्किप कर दी सो सो के, सो अभी वही वाला स्टेशन रहता है वो अभी कवर कर लेते हैं। बाकी वीडियो बेकार ही बनी है, राइट नाइट की जर्नी है ना, यही दिक्कत होता है। मैं उधर लुधियाना से भी आया था दिल्ली और होशियारपुर में, उसमें भी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं उठ पाऊँगा। इसकी मैंने पंगे ले लिए, मैं चल बनाते हैं, बट स्टेशन कोई नहीं कवर हो पाए। चलो बाकी देखते हैं। बाकी ट्रेन पूरी खाली हो गई हुई है, ट्रेन आ गई है मदन महल जो कि जबलपुर में ही है।
बट मैं लास्ट ही स्टेशन कवर कर रहा हूँ पहला स्टेशन, क्योंकि सारी रात में सोता रहा। तो अभी ट्रेन पहुँची है, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है जस्ट, क्योंकि बंदर महल भी मतलब कि जबलपुर के ही एक स्टेशन है। तो यहाँ रुकेगी भी अब 1-2 ही मिनट रुकेगी वो, और आधे से ज़्यादा यात्री यहीं उतर रहे हैं सारे। महल पहुंच गए हैं भाई। यार ये ब्लॉग में कुछ है नहीं था, तो बस हाँ यही है, ये ट्रेन थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा वो है पॉपुलर है इस रूट की, क्योंकि ये हर स्टेशन पे रुक के आती है जो मध्य प्रदेश के हैं ना। तो छोटे छोटे जो स्टेशन है जो नरसिंहपुर वगैरह हो गए, इन स्टेशन पे रुक के आते हैं, उनको हेल्प मिलती है, नागपुर में अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है। इस करके इस ट्रेन का नाम भी एम्बुलेंस एक्सप्रेस ही रखा गया हुआ है। ट्रेन अभी यहाँ पर बिफोर चल रही है, करीबन 6-7 मिनट बिफोर है, 6:30 चलेगी यहाँ से। पहले भी पहुंच गए हैं जबलपुर, तो पूरी ट्रेन खाली होगी, लास्ट में आता रहा हूँ। बाकी वीडियो कर तो यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल करें सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाकी यही है व्यू नागपुर अपना जबलपुर रेलवे स्टेशन का।